मैं धर्मेंद्र कुमार झारिया शोधार्थी, मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित सर के सानिध्य में अपना शोध कार्य कर रहा हूँ और साथ ही मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, लाइफ टाइम मेंबर। पिछली बार के जैसे इस बार पुनः मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जिसका प्रमुख रूप से कोटेशन हम जो कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी कॉपी विद सोशियोलॉजी, निश्चित तौर पे आधुनिकता को परिलक्षित करता हुआ यह समाजशास्त्र को आगे की ओर बढ़ा रहा है। आज हमारे चीफ गेस्ट जो थे डॉक्टर अरविंद जोशी सर, जो कि BHU के प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने सोशियोलॉजी के संबंध में महत्वपूर्ण आयाम हमारे समक्ष प्रस्तुत किए और सोशियोलॉजी का जो इतिहास था आधुनिक काल से लेकर वर्तमान युग तक, उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में विभिन्न तथ्यों और विभिन्न आयामों के बारे में हमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी को किस तरीके से सोशियोलॉजी का वर्गीकरण किया उन्होंने, और सोशियोलॉजी का विभिन्न अन्य विषयों के साथ जो संबंध उन्होंने बताया निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रत्येक शोधार्थी और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर अरविंद जोशी सर ने बताया कि कैसे सोशियोलॉजी जो है वर्तमान समय में विभिन्न विषयों के साथ किस तरीके से इंक्लूड है, और प्रत्येक विषय का अपना अपना महत्व है, लेकिन हर एक विषय के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित किया उन्होंने समाजशास्त्र को लेकर, निश्चित तौर पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और लास्ट में उन्होंने हमको बताया कि इस तरीके की जो संगोष्ठियाँ हैं सोशियोलॉजी की, निश्चित तौर पर समाजशास्त्र के विद्यार्थी और शोधार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इस तरीके की संगोष्ठियाँ निश्चित तौर पर होते रहना चाहिए और मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इस तरीके की संगोष्ठी रखी, और भविष्य में इस तरीके की संगोष्ठियाँ रखी होनी चाहिए। थैंक यू।